हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके लर्न एजुकेशन। आज के वीडियो में जानेंगे फोर का यूज़ करना, फोर का उपयोग करना सीखेंगे सेंटेंस के थ्रू। बहुत ही इजी सेंटेंस है। इस वीडियो को देखने के बाद फोर के सेंटेंस अपने आप आपके मुंह से निकलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फोर का मतलब। फोर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए। फोर का हिंदी मीनिंग क्या होगा? के लिए। इसे सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फोर मी मेरे लिए, फोर मी मेरे लिए। तो फोर के लिए यहाँ क्या यूज़ हुआ है? लिए। और मी के लिए क्या यूज़ हुआ है? मेरे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? फोर मी मेरे लिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। फोर अस हमारे लिए, फोर अस हमारे लिए। तो फोर के लिए यहाँ क्या यूज़ हुआ है? लिए। और अस के लिए यूज़ हुआ है हमारे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? फोर अस हमारे लिए। फोर देम उनके लिए, फोर देम उनके लिए। तो फोर के लिए क्या यूज़ हुआ है? लिए। और देम के लिए उनके। तो सेंटेंस क्या बनेगा? फॉर देम उनके लिए। अगला है फॉर यू आपके लिए, फॉर यू आपके लिए। फॉर ईट इसके लिए, फॉर ईट इसके लिए। अगला सेंटेंस है फॉर हिम उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए। फॉर हर उसके लिए, फॉर हर उसके लिए। यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जहाँ मेल की बात हो तो मेल के लिए हिम यूज़ करते हैं, और जहाँ फीमेल की बात हो तो फीमेल के लिए हर यूज़ करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है फॉर दिस इसके लिए, फॉर दिस इसके लिए। फॉर दैट उसके लिए, फॉर दैट उसके लिए। नेक्स्ट है फॉर हियर यहाँ के लिए, फॉर हियर यहाँ के लिए। फॉर देयर वहाँ के लिए। नेक्स्ट है फॉर होम किसके लिए, फॉर होम किसके लिए। फॉर गुड अच्छे के लिए। नेक्स्ट है फॉर वेयर कहाँ के लिए, फॉर वेयर कहाँ के लिए। फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। अगला सेंटेंस है फॉर टुडे आज के लिए, फॉर टुडे आज के लिए। फॉर टुनाइट आज रात के लिए, फॉर टुनाइट आज रात के लिए। अगला सेंटेंस है फॉर नाउ अभी के लिए, फॉर नाउ अभी के लिए। फॉर एवर हमेशा के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।